हाँ जी, अभी तो बताया कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, सुअर अवतार, घोड़ा अवतार, ये कोई जानवरों में थोड़े ही आता है। इस तरह के जानवर बुद्धि मनुष्य होते हैं जो भगवान के ज्ञान को तोड़ मड़ोड़ के अपने तरीके से उठाते हैं। क्योंकि जानवर इतना विचार सागर मंथन नहीं कर सकता, मानवीय बुद्धि विचार सागर मंथन कर सकती है। दस धर्म है तो दस धर्म के जो दस मुखिया हैं, उनको दस अवतार कह दिया। उनमें भी राम कृष्ण को मानवीय अवतार बताते हैं। बाकी रह गए आठ जो द्वापर युग से प्रसिद्ध होते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं, मनमत चलाते हैं, मनुष्य मत मिक्स करते हैं, अपनी बातों के हाथ पर अड़ जाते हैं। जानवर समझदारी का काम करता है या अड़ जाता है? ब्राह्मण लोग एक होता है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक ज्ञान है, प्राइमरी ज्ञान है, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है या जो बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख करके उनको पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? बच्चा बुद्धियों को पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चा बुद्धि ही बन करके रह जाते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, तो न समझने के कारण वो ग्लानि नहीं कर सकते। ग्लानि ही करेंगे जो पूरा समझते हैं, गहराई से ज्ञान उठाते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, वो दुनिया को और दुनिया की बातों को समझ जाते हैं। इसलिए जो ना समझे हैं, बच्चा बुद्धि है, उनके ऊपर बड़ों को रहम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है रहम करना चाहिए। जो बड़ा बच्चा होता है, बड़ा भाई होता है, वो बाप समान होता है। बाप की बच्चों के ऊपर उम्मीद रहती है, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो हमारी भी शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहे कि आज नहीं समझते हैं कल समझ जाएंगे। और हमको तो वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो वो वरदान की बात पहले लौकिक में लागू करनी है या अलौकिक में लागू करनी है? है हाँ, अगर हम सिर्फ लौकिक में ही लागू करते हैं तो हम भी बच्चा बुद्धि है।
अगर उस बाप को बेहद में लागू करते हैं तो हम एडवांस हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सच्चाई होती है वो सदैव ऊंची स्टेज में रहती है। अगर ऐसा न हुआ होता तो सतयुग का नाम सत्ययुग नहीं होता, और सतयुग पहले नंबर में नहीं होता, ऊंची स्टेज में नहीं गिना जाता। सच तो बिठो नच कहा जाता है। जो सच्चा होता है वो कृष्ण की तरह विकारी सर्पों के ऊपर डांस करता है। वैसे भी कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है। बाबा ने तो सिर्फ मुरली में इशारा दिया था, यहाँ ही तुम बच्चों का दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है और यही तुम तपस्या में बैठे हुए हो। कहाँ कहाँ बैठे हुए हो, कहाँ की याद दिलाई? माउंट आबू में बीसियों क्षेत्र है, लेकिन बाबा ने कौन से क्षेत्र की याद दिलाई? दिलवाड़ा की याद दिलाई। जो बेसिक ज्ञान है वो दिलवाड़ा की यादगार नहीं है। दिलवाड़ा में जो जमावड़ा है वो एडवांस वालों का जम गया या बेसिक वालों का जम रहा है? एडवांस वालों का जम रहा है। एक टाइम वो भी था कि एडवांस वाले माउंट आबू में पांव रखने से डरते थे, अगर सर्वसेबल थे तो। एडवांस ब्राह्मणों के बीच में अगर सर्वसेबल ब्राह्मण गिने जाते थे तो उन्हें डर लगता था कि माउंट आबू में पांव रखेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। और अभी अभी सर पर चढ़ करके बोल रहा है और आगे चल करके और भी बोलेगा। और प्रदर्शनी के अंक में जो चित्र दिखाया गया है महाशिवरात्रि की प्रत्यक्षता का, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या दिखाया हुआ है? पांच भूत भाग रहे हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। पहले वहां यादगार भी नहीं बनी हुई थी ज्ञान सूर्य प्रगटने की, सनसेट पॉइंट की यादगार थी, सूर्यास्त की यादगार थी, लेकिन सूर्योदय की यादगार नहीं थी। अभी ड्रामा प्लान अनुसार है अचलगढ़ में सनराइज पॉइंट भी तैयार हो रहा है। तो सूर्य दिन ब दिन तीखा होता जाएगा। और सर के ऊपर जब चमकेगा बड़ी दोपहरी में तो सबको मानना पड़ेगा। बाबा ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकला, वेद पुस्तक क्या है ब्राह्मण बन गए उससे, और उसके बाद ब्राह्मण से अरण्य का है बोला।
मना बाबा का जो क्लैरिफिकेशन है अरण्य को बोला, अरण्य से और फिर निकला उपनिषद को बोला। पहले आरण्यक और ब्राह्मण व्याख्या हुई, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, उसके बाद फिर उपनिषद निकले, फिर पुराण निकले। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? वेद का उपनिषद क्या है और वेद का पुराण क्या? उपमाने नजदीक, उपमाने पास, निषद माने बैठना, पास में बैठना। पास में किसके बैठने की बात होगी? अरे पढ़ाई पढ़ते हैं तो किसके पास बैठने की बात आती है? टीचर के पास बैठेंगे, शिष्य होगा तो गुरु के पास बैठेगा। तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में पहचान करके पास बैठेगा, व्याख्याएं पूरा ही बुद्धि में बैठ जाएंगी, कोई भी संशय बुद्धि में नहीं रहेगा, तब निश्चयात्मक बुद्धि से पास बैठेगा या पहले ही बैठ जाएगा? है हाँ, तो पहले वेदवाणी की व्याख्याएं चाहिए। व्याख्याएं तब होती है जब एकांत में मनन चिंतन मंथन किया जाता है, एकांत महानगरों में मिलेगा या जंगल में मिलेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा आरण्यक। अरण्य माने जंगल, ये बेहद का अरण्य है, हद के अरण्य की बात नहीं है। रेलवे प्लेटफार्म पर रह करके भी अरण्य हो सकता है, अगर बुद्धि एक तरफ लगी हुई है। तो पहली पहली व्याख्या निकलती है आरण्यक, सब शतपथ ब्राह्मण वगैरह, उसके बाद जब पूरी व्याख्या बुद्धि में बैठती है, क्योंकि ब्राह्मण उसको ही कहा जाता है जो पवित्र हो, कि सिर्फ मंथन मनन चिंतन करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है, है? सिर्फ मनन चिंतन मंथन करने से पक्का ब्राह्मण नहीं होता, कब होता है? जब पवित्र बने। तो विजयमाला भी ऐड होनी चाहिए, इसलिए बोला है विजयमाला का आवाहन करो। विजय पवित्रता से ही होगी, अपवित्रता से हुई है हार, और पवित्रता से होती है विजय। तो आरण्यक ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ब्राह्मणों की व्याख्या भी चाहिए, पवित्र बुद्धि ब्राह्मणों की व्याख्या चाहिए। और जब वो व्याख्या बुद्धि में पूरी पूरी बैठ जाए, बाप की पहचान हो जाए, तब ही बाप के नजदीक बैठा जा सकता है, नहीं तो बुद्धि उखड़ती रहेगी और धर्म गुरुओं धर्म पिताओं के प्रभाव में आती रहेगी।
मुकर्ररत से दूर होते जाएंगे। तो नजदीक बैठते हैं उसको कहा गया उपनिषद। और बाद में लास्ट में निकले हैं पुराण जब कलयुग शुरू हो गया। वो तो बहुत ही विस्तार की बात है। और लेकिन जो बोल रहे हैं 2012 में पूरा सृष्टि विनाश हो गया, थोड़े बोलते हैं निकल नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहे हैं वो 2012 में? कौन बोल रहे हैं? वो माया आधारित माया नागर सृष्टि नागर जी का आधार से और अमस्टरडम है ना है अमस्टरडम हाँ उसके आधार से बोल रहे हैं। नास्तरदम कितने साल पहले हुआ? सैकड़ों साल पहले नास्तरदम हुआ। जब हुआ तब ज्यादा सतो प्रधान था, उसने जो बोला जब नास्तरदम था तब ज्यादा सतो प्रधान था, या उसने जो बोला वो अब ज्यादा सतो प्रधान है? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। वो व्याख्या जरूर तमो प्रधान है, जो भगवान की वाणी को काट कर रही है कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। प्रूफ कुछ भी नहीं। ईश्वरीय वाणी का तो प्रूफ और प्रमाण भी है, सिर्फ कह देने मात्र से बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे किसी की बात को नहीं मान लेते। आज दुनिया भी बुद्धिमानों की है, बुद्धियों की नहीं है। उसका नाम ही है माया सभ्यता। माया अच्छी चीज है या खराब चीज है? है माया की सभ्यता, माया का पंप एंड शो है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। फिर भी कोई मान्यता चल रही है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। उनका कहना है कि 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। तो पृथ्वी 5 तत्वों का पुंज है, जड़त्वमयी है या चैतन्य भी है? है तो चैतन्य पहले चेंज होगी या जड़ पहले चेंज होगी? ज्ञान चैतन्य सुनेगा या जड़ सुनेगा? चैतन्य ज्ञान सुन सकता है। पृथ्वी माता कहा जाता है। शास्त्रों में जो नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हैं। पृथिव्यातिथि पृथ्वी, प्रथुलातिथि पृथ्वी, जो विस्तार को पाती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। जब नई दुनिया सतयुग था तो छोटी सी कन्या थी, कन्या कुमारी थी। जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ और धर्म की ढेर आत्माएं परमधाम से नीचे उतरने लगी, दुनिया की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो छोटी सी पृथ्वी से काम चलेगा या बड़ी पृथ्वी चाहिए?
तो पृथ्वी का विस्तार द्वापर युग से होता गया। पहले इस्लाम धर्म खंड देखने में आए, अरब मिस्र वगैरह, फिर बौद्ध धर्म खंड देखने में आए, समुद्र से ऊपर आ गए, चीन जापान वगैरह, फिर यूरोपीय धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड ऊपर आ गए। तो जैसे जैसे और धर्म और उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे पृथ्वी का विस्तार भी बढ़ता गया। अभी पृथ्वी पूरे विस्तार को पाई हुई है। अभी फिर आकार होना, छोटा होना है। ये क्रम चलता रहता है। पहले कन्या होती है, फिर माता बनती है, फिर अगला जन्म होता है, फिर कन्या बनेगी। तो पृथ्वी ये हो सकता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो लगातार सूर्योदय रहता है, दिन ही दिन बना रहता है, अथवा रात ही रात 6 महीने तक बनी रहती है, वो पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाए। और जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पर लगातार 6 महीने का दिन हो सकता है, तो भारत में लगातार आधा कल्प तक दिन ही दिन चलेगा, रात होगी ही नहीं, वहां रात की दरकार ही नहीं, वहां थकान होगी ही नहीं, आत्मिक स्टेज ही बनी रहेगी, पृथ्वी का रूप ही छोटा हो जाएगा। जो गायन है कन्याकुमारी, भारत माता, दो रूप है पृथ्वी के, एक भारत माता और एक जगत माता। जगत में सब धर्म समाये हुए हैं, भारत माता जब कहा जाता है तो उसमें सब धर्मों का, सब धर्म खंडों का समावेश नहीं है। उस समय सिर्फ भारत खंड ही था, अभी सारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की धुरी चेंज होना माना बुद्धि चेंज हो जाएगी। चैतन्य माता की बात है, जड़ पृथ्वी की बात नहीं है। पहले पहले चैतन्य में परिवर्तन आता है, फिर जड़ में परिवर्तन आएगा। मुरली में ब्रह्मा बाबा भी इंटरफियर करके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ये बात भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बेसिक ज्ञान ही बैठता है, ये एडवांस की बातें भी आती है। वो कल्प कल्पांतर की उनकी बुद्धि में नूद है। जब कभी भी बाबा मुरली चलाएंगे तो उनकी बुद्धि में कहां तक का ज्ञान बैठेगा?
बेसिक का ज्ञान बैठ गया। तो संगम युग की बात है, संगम युग में ये 8 वर्ष का पॉइंट आता है। बेसिक में भी हुआ था, मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के आदि वाली माता ज्ञान यज्ञ में आ गई। उसके बाद 3-4 वर्षों के बाद जो यज्ञ के आदि का आदि पिता था वो भी बेसिक ज्ञान में आ जाता है। तो शास्त्र में राधा का जन्म पहले दिखाते हैं और कृष्ण का जन्म बाद में दिखाते हैं। माने राधा को बड़ा और कृष्ण को छोटा कर दिया। अब सचिव में ऐसी पैदाइश होगी क्या? लेकिन पहले बच्चा होगा फिर बच्ची होगी। सचिव में तो ऐसा नहीं होगा, सचिव में तो कायदे से सृष्टि चलती है। पहले बच्चे की पैदाइश, फिर बच्ची की पैदाइश। हाँ, जुड़वा बच्चे होंगे, थोड़ा अंतर होगा, पहले बच्चा फिर बच्ची। बाकी जहाँ ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया है वो संगम युग की बातें। संगम युग में पहले बच्ची हुई ना? हाँ, पहले कृष्ण प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, या राधा पहले प्रत्यक्ष होती है? कृष्ण पहले है, पहले कृष्ण। पहला पत्ता कौन है? तो जो पहला पत्ता होगा वो पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए। 8 साल के बाद वो। यहाँ की ही बातें हैं जो उल्टम पलटम करके बताई गई है शास्त्रों में। हाँ, फिर 8 साल के बाद राधा प्रत्यक्ष होती है। अरे संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा एडवांस वालों को पहले पता चलती है या राधा वाली आत्मा पहले स्टेज पर आ जाती है? तो वो पहले है, राधा वाली आत्मा बाद में स्टेज में आती है। और है क्या बोलते? साढ़े सात ही लगता है ना। क्या शनिदेव के 2 शिष्य बताए जाते हैं, एक साढ़े साती और एक ढैया। बड़े खतरनाक शिष्य हैं। जैसे 9 ग्रहों की दशा बैठती है तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे मान्यता है। अच्छा परिवर्तन हो या बुरा परिवर्तन हो, ऐसे ही शनि की जो है वो दशा मानी जाती है। उसमें भी जो छोटा शिष्य है 2.5 फुट का ढैया कहा जाता है, और सार साथी और लंबा दिखाया जाता है, उनका भी असर पड़ता है। बहुत खतरनाक है, कोई पसंद नहीं करता कि हमारे जीवन में सार साथी लग जाए या ढैया लग जाए। ये सब ज्योतिषियों की बनाई हुई बातें हैं। बाकी ब्राह्मणों की दुनिया में समझने की बातें हैं। दशा बैठना
अर्थात हमारी आत्मा कोई के प्रभाव में आ गई। नौ ग्रह हैं, कोई नौ चैतन्य आत्माएं हैं जो नौ धर्मों के मुखिया हैं, उनके प्रभाव में जब हमारी आत्मा आ जाती है तो उन्होंने ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है और हमारी बुद्धि को कन्वर्ट कर देते हैं। बुद्धि कन्वर्ट होती है तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है, वो है पतियों का पति, तो उसके प्रभाव में आना तो अच्छी बात है ना। बाकी और जितने भी ग्रह हैं वो सब नीचे ले जाने वाले हैं, अच्छी दशा नहीं है। अभी ब्राह्मणों के जीवन में औरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। एक बार बाप को अच्छी तरह पहचान लिया, मान लिया, जान लिया, तो मुरलियों के आधार पर, अव्यक्त वाणियों के आधार पर, प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ चलने वाली ज्ञानी तू आत्माएं हैं, जिन्होंने बाप को पहचाना है और पहचान करके बाप की सेवा में लगी हुई है और सेवा का अच्छा रिजल्ट भी निकाल रही है, उन आत्माओं के प्रभाव में आना है। बाकी औरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हाँ, बेहद में अभी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कौन है, कौन है? हा? दादा लेखराज। दादा लेखराज की जो बुद्धि रूपी आत्मा है वो बेसिक तक सीमित है या पृथ्वी माता की तरह एडवांस में भी आ चुकी थी? है, बेसिक तक सीमित है तो अलग कहेंगे या जुड़ी हुई कहेंगे? अलग है। हाँ, ये बात है कि कलयुग के अंत में माताएं इतनी मोहमयी हो जाती हैं कि बच्चे से प्रभावित हो जाती है। तो चंद्रमा का परछाया पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, प्रभाव में आ जाती है पृथ्वी माता, इसलिए महाकाली का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही द्वापर के आदि और त्रेता के अंत में जब अर्ध विनाश हुआ था तो वो चंद्रमा का हिस्सा छिचक करके दूर हो गया और पृथ्वी का चक्कर काटने लगा, उपग्रह बन गया। उपग्रह छोटा होता है या ग्रह छोटा होता है? उपग्रह छोटा होता है और ग्रह, ग्रह बड़ा होता है। जो बड़ा होता है वो भारी ज्यादा वजन वाला होता है और जो हल्का होता है वो कम वजन वाला होता है। तो आकर्षण शक्ति ज्यादा किसमें होगी? बड़े वाले में ज्यादा आकर्षण शक्ति होगी, इसलिए पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल पृथ्वी है। अ
अभी दोनों ही मिलकर के एक हो जाएंगे। आखिरी सब धर्म सूर्य वंश में मर्ज हो जाएंगे। सारी की सारी पृथ्वी माता न चंद्रमा से प्रभावित होगी, न कोई दूसरे ग्रह से प्रभावित होगी, सिर्फ किससे प्रभावित होगी? एक सूर्य से। सारी दुनिया सूर्यवंशी कही जाएगी। और अब सीधा हो जाए कि टेढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या परिवर्तन होगा वो तो आगे चल के देखेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि जो चैतन्य पृथ्वी माता है, जैसे एडवांस के आदि में परिवर्तित हो जाती है, यज्ञ के आदि में परिवर्तित हुई थी, प्रजापिता की सहयोगी बनी थी, वैसे ही अंत में भी क्या होगा? सहयोगी बन जाएगी, एक बाप से प्रभावित हो जाएगी। किसी मुरली में बोला है, एक ही हट्टी है, दूसरी कोई हट्टी नहीं है। कोई आत्माएं कहां भी चक्कर काटने के लिए चली जावे, कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो जावे, कोई के भी प्रभाव में आ जावे, लेकिन संगम युग में एक ऐसा टाइम आने वाला है कि हर आत्मा को उस एक ही दुकान पर आना पड़ेगा। सारी दुनिया में मनुष्य गुरुओं के बीच में बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन है? है? जो बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु साबित होता है, वो भी अंत में जब साक्षात्कार होता है अंतिम जन्म में, तो गुरुओं के पास भटकता है, तीर्थों में भटकता है, वाराणसी में भटकता है, और भटक भटक के सिंध हैदराबाद से कहां पहुंचता है? आखिरी वहीं पहुंचना पड़ता है जहां सारे सच वृक्ष का बीज पड़ा हुआ है, यादगार बनी हुई है, बनियन ट्री, जिसे एक आत्मा का इतना प्रभाव दिखाया है मुरली में कि एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो जब पहला पत्ता भटक भटक के अपने ठिकाने पे पहुंचता है, तो 500 करोड़ भटक भटक के ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरु कौन होगा? इनके पास पहुंचा कौन? ब्रह्मा वाली आत्मा क्या हुआ? हाँ, तो बड़ा गुरु कौन हुआ? मनुष्य गुरु। बोलो 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 बोलो। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? मनुष्य गुरु। अरे मुख से बोल दो, वीडियो में आने दो। हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा शिव बाबा नहीं है तुम्हारी बुद्धि में? बुद्धि में शिव बाबा नहीं बैठा है? ये भूत प्रेत की बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है?
ये कहा है, साधना के बगैर निराकार कुछ नहीं करेगा। ये नहीं, हमारी आत्मा देखती किसको है, हमारी आत्मा समझाने वाला कौन है उसको देखती है, या समझाने वाला जिसमें प्रवेश है उसको देखने की आदि है, किसको देखने की आदि है? हमारा गुरु कौन है, समझाने वाला कौन है? शिव बाबा मनुष्य गुरु है कि आत्माओं का बाप है? हैं? आत्माओं का बाप इसलिए साबित होता है कि भल मनुष्य तन में आता है, लेकिन वो मनुष्य तनधारी अपने मुख से, अपनी लेखनी से, अपने वीडियो से, अपने टेप रिकॉर्डर से कहीं भी नहीं कहता, भूल से भी, सपने में भी, कि मैं कौन हूं? शिव बाबा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शंकर हूं, कहता है नहीं कहता है? यही पहचान है सदगुरु की। और जो मनुष्य गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं? शिवो अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही गीता का भगवान हूं। ये पहचान है मनुष्य गुरुओं की और सदगुरु की। परशुराम और वामन अवतार दोनों मनुष्य अवतार है ना बाबा? फिर वो चार कला वाला मनुष्य है जिसे परशुराम अवतार कहते हैं। क्या उनका नाम ही क्या है? फरसा, परस, परसु। वो दंड देने से ही परिवर्तन करता है। भगवान तो प्यार का सागर है, भगवान प्यार से परिवर्तन करता है या दंड देकर के परिवर्तन करता है? प्यार से परिवर्तन करता है। दुनिया में जितने भी विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा वाले हुए हैं, वो सब हिंसक हुए हैं। वामन अवतार की तो बात ही छोड़ दो, वो तो 52 अंगुल का कहा जाता है। कितने अंगुल? ऐसे, ये एक अंगुल, इस तरह 52 अंगुल, इतना। ऐसे मनुष्य अफ्रीका में पैदा होते हैं या भारत में होते हैं? अफ्रीकन है। दुनिया की सबसे जास्ती असभ्य सभ्यता, और जो भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ अंतिम समय का ज्यादा काउंट होगा या मध्य का पुरुषार्थ काउंट होगा या आज समय का ज्यादा काउंट होगा? है अंत का, अंत मते सो गते। अभी भी मुरली में क्या बताया कि वास्तव में बेहद का अमृत वेला कब होगा?
है। हाँ तीन चार वो तो हद की बात। ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में बेहद का अमृत वेला कब होगा जो बाप ही आकर के बताते हैं, कोई मनुष्य गुरु नहीं बता सकता। जब कृष्ण वाली आत्मा पहला पत्ता अपने स्वरूप को और बाप के स्वरूप को पहचान लेगी, तो उस समय जिसकी जैसी बुद्धि होगी और जैसा अमृत बेला होगा वो ही काउंट किया जाएगा। अभी की बात नहीं है। किसी का नंबर वार अपना अपना अमृत बेला अलग अलग होगा टाइम, या संघ 36 ही सबका एक टाइम होगा है सुधरने का? सबका अपना अपना अलग अलग होगा। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस की दुनिया में जितने भी ब्राह्मणों के संगठन हैं, सब संगठन का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं हो सकता। कोई संगठन ऐसा भी होगा बल अमृत बेले में कुछ न कुछ त्रुटि तो होगी, लेकिन और संगठनों के मुकाबले नियम और टाइम और पुरुषार्थ ज्यादा पक्का होगा। जैसे नदी की धारा बहती है, तो नदी की धारा के साथ जो भी जीव जंतु है वो भी बहते जाते हैं। अगर धारा धीमी गति से बह रही है तो जीव जंतु भी धीमी गति से जाएंगे। ये संघ के रंग का प्रभाव पड़ता है। उसमें भी मुख्य है संगठन के हेड का प्रभाव। संगठन का मुखिया जैसा होगा यथा राजा तथा प्रजा होगी। तो सब ब्राह्मणों के संगठन एक जैसे पुरुषार्थ वाले नहीं है। इस बात को तो वो जान सकता है जो सब जगह घूमा हुआ हो। हाँ राम सीता के नीचे एक पुजारी दिखाया गया। तुम्हारे सर के ऊपर ही तो चित्र है, देख देख के बता दो, सबकी नजर पहुंच जाए जो घर में जाके देख ले। हाँ ऊपर देख के बता दो जाके। हाँ जी राम सीता के नीचे जो राम सीता की भक्ति करने वाला है वो एक दिखाया गया है, राम सीता की प्रवृत्ति मार्ग की है। लेकिन वो अधूरी कला के हैं या संपूर्ण कला के हैं? है प्रवृत्ति मार्ग पक्का है, पक्का माने 100%, या कच्चा है? कच्चा हो गया। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं
कि स्त्री पुरुष की गांठ बांध करके जो अनुष्ठान किया जाएगा वो सफलीभूत होगा। अगर कोई अनुष्ठान करते हैं और स्त्री पुरुष की गांठ नहीं बांधी गई तो वो अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता। तो गांठ तो संस्कारों की तभी जुड़ेगी जब 16 कला संपूर्ण कहे जाए। अगर कलाओं में हीनता है तो कन्वर्ट होने वाले हैं या अपने धर्म के पक्के कहे जाएंगे? क्या कहा जाएगा? कन्वर्ट होने वाले हैं। और जितने भी कन्वर्ट होने वाले धर्म हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सब निवृत्ति मार्ग वाले। और एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर और 7 शीतलाओं के बीच में या 9 कन्याओं के बीच में एक कुमार रखा जाता है तो वो एक कुमार की वैल्यू क्या हो गई? 900 ब्राह्मणों के बराबर। हाँ, अब क्या पूछ रहे हो? क्या उनका सुरक्षा करने के लिए बाबा ने माता उनको आगे रखा है, जिम्मेदारी सुनवाई? एक माता कितने ब्राह्मणों के बराबर? एक माता कितने बराबर? माता की तो बात ही नहीं आती है, माताओं की पूजा नहीं होती है 9 की। जब देवियों की पूजा करते हैं तो माताओं को उठाते हैं या कन्याओं को उठाते हैं? कन्याओं को उठाते हैं, माताओं को नहीं उठाते हैं। हाँ। गांठ जोड़ते हैं है? है? हाँ, ये पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन का कि स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार की गांठ जुड़ जानी चाहिए। अगर वो गांठ नहीं जुड़ती है चाहे वो राम सीता हो और चाहे राधा कृष्ण हो, अगर संस्कारों का मेल नहीं होता है तो सतयुग नहीं आ सकता। नई दुनिया का जो अनुष्ठान है वो पूरा नहीं हो सकता। सतयुग में 8 नारायण, ये नहीं कहा 8 नारायण लोन लेते हैं, 8वां नारायण लोन लेता है। हाँ जी, अरे सतयुग त्रेता का गायन होता है भक्ति मार्ग में, यह संगम युग की बात है। भक्ति मार्ग में बातें कहाँ की है? तो संगम युग की बात है। संगम युग में ज्ञान धन जो असली कमाने की बात है, जो असली पुरुषार्थ है ब्राह्मणों का ज्ञान लेना और ज्ञान देना, वो राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करती है, साहूकार बनती है ज्ञान धन का। और जो 8वां नारायण है वो मनन चिंतन मंथन जो ब्राह्मणों को करना चाहिए वो नहीं करती, वो अपनी ही मनमत से शास्त्र बनाती जाती है।
और दुनिया भी मान मर्तबा भोगती जाती है, एरोप्लेन में घूमती रहती है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। नहीं तो एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए बाप को प्रत्यक्ष करने का। अब मनुष्य मत के आधार पर बाप प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं हो सकता। तो लोन चढ़ता है ईश्वरीय या घटता है? चढ़ गया। और राम वाली आत्मा ज्ञान रत्नों का साहूकार बन जाती है, इतना बड़ा साहूकार बन जाती है कि आठवें नारायण की सारी राजाई डूब जाती है उन ज्ञान रत्नों में। राम वाली आत्मा को विष्णु की वार्ता ही मिल जाती है। कृष्ण और क्राइस्ट की जो राशि मिलाई जाती है वो पंप एंड शो वाली बातें हैं। वो कहाँ की बातें हैं? सतयुग की, संगम युग में है। सतयुग का कृष्ण पंप एंड शो करता है क्या? कौन सा कृष्ण है जो पंप एंड शो करता है? है वो तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बेसिक में जिसे कृष्ण माना जाता है वो पंप एंड शो करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। जो सही सच्ची चीज है, किसी की दुकान में बढ़िया पेड़ा लड्डू बन रहा है सच्चे माल का सच्चे घी का, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। क्रिश्चियंस का काम है एडवर्टाइजमेंट करना और अपने झूठे माल को ज्यादा दामों में बेचना। कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य माई का लाल नहीं है जो सच्ची कमाई करके करोड़पति बन जाए। ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा जा सकता है लेकिन उनके भागीदार के जीवन में ये बात नहीं देखी जा सकती, क्योंकि एक है सच्चा कमाई करने वाला और एक है झूठी कमाई करने वाला। हाँ? हाँ, अरे लौकिक कमाई की बात है। आप लौकिक कमाई की बात कर रहे हैं या अलौकिक कमाई की बात कर रहे हैं? आप गद्दम मद्दम कर रहे हैं, बुद्धि को एकाग्र करो। कौन सी कमाई की बात कर रहे हैं? अरे बोलो भाई। हाँ, जो ज्ञान धन की बेहद की कमाई है वो सच्ची कमाई है और वो सच्ची कमाई करने वाला ईश्वरीय रास्ते पर चलने वाला होगा तो पक्का साहूकार असली बनेगा या नकली बनेगा? असली ही बनेगा। हाँ, ये जरूर है और ये लौकिक जीवन में कोई भी देख भी सकता है कि सारा लौकिक जीवन जिसने खूब रिश्वत ली होगी, खूब पाप की कमाई की होगी, वो ईश्वरीय ज्ञान में भले आ जाए तो भी सच्ची कमाई ईश्वरीय नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार झूठी कमाई के पड़े हुए हैं। ये नियम है, संस्कार काम करते हैं।
जिसके 63 जन्म के सच्चाई के संस्कार होंगे, वो आखिरी जन्म में भी जो ईश्वरीय ज्ञान रतन है उनका व्यापार सच्चाई से ही करेगा। एक भी ज्ञान रतन में थोड़ी भी मिसचैती करके नहीं बेचेगा। अगर 63 जन्म के मिसचैती के संस्कार है तो आखिरी जन्म में भी क्या करेगा, मिसचैती जरूर करेगा। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए, ये नियम है, है? कौन बता दिया ना आखिरी जन्म में बनता है, आखिरी जन्म में, आखिरी जन्म में अगर पतित नहीं बनेगा तो पावन कैसे बनेगा। 63 जन्म नहीं बनता है, 63 जन्म उसके गिरने की गति धीमी रहती है। और जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली बीज रूप आधार मूर्त आत्माएं हैं वो द्वापर के आदि से ही दक्ष से नीचे गिर जाती हैं, और इस्लाम धर्म की आत्माएं उनमें प्रवेश करके उनको कंट्रोल कर लेती है। जो राम और राम के फॉलोअर्स पक्के सूर्यवंशी हैं वो अपने देवी देवता सनातन धर्म के 63 जन्म में भी पक्के रहते हैं। शिवाजी बनकर, महाराणा प्रताप बनकर के विधर्मियों का मुकाबला करते रहते हैं। आखिरी जन्म में तो माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, नहीं तो माया सर्वशक्तिमान का टाइटल ही खत्म हो जाएगा। महारानी जब वो सरेंडर हो गई तो विश्व महारानी नहीं है, सरेंडर हो गई माने कन्वर्ट कर लिया ना आपने को, उनके माँ बाप ने तो नहीं कन्वर्ट कर लिया। हाँ जी है, है? हाँ? किसको बेइज्जती करते हैं, शंकर को नहीं बेइज्जती करते, शिव की बेइज्जती करते हैं। शंकर को लोगों ने भगवान समझ लिया है, जो शंकर है वही वास्तव में दक्ष प्रजापति है, जो दक्ष प्रजापति है वही राम वाली आत्मा है, जो राम वाली आत्मा है वही अंतिम जन्म में अपने लास्ट पीरियड में जब दुनिया का विनाश करना होता है तो दुनिया का बड़े से बड़ा अहंकार ही बनता है। राम सो क्या बनता है, रावण बनता है, कृष्ण सो क्या बनता है, कंस बनता है। इन दोनों की युति है, ये मिलकर के काम करते हैं, तमो प्रधान मिलकर के बनते हैं तो दुनिया का सत्यानाश, और सतो प्रधान मिलकर के बनते हैं तो दुनिया का कल्याण हो जाता है, है? शिव की बेइज्जती करें क्या, शिव की बेइज्जती करें तो क्या, माना शिव को जो है वो कोई मान्यता न देना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं राम ही राम की आत्मा ही सब कुछ है, उसी को ज्ञान पैदा होता है तो वो भगवान बन जाती है, ये शिव की बेइज्जती नहीं है, है? बेइज्जती हो गई। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है उस आत्मा की बेइज्जती हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं, नेस्त नाबूद कर दिया। जबकि वास्तव में जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा है उसी की सारी करामात है, राम कृष्ण की कोई करामात नहीं है।
और ये किस बात का? अरे जब दुनिया का अंत होगा, सारी दुनिया काल के गाल में जाने वाली होगी, तो उसका निमित्त कौन बनेगा? प्योरिटी से होती है स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। पहले अपनी बुद्धि का विनाश होता है या दूसरों की बुद्धि का विनाश होता है? तो जो निमित्त है वो पहले खुद अहंकारी बनेगा या दूसरे अहंकारी बनेंगे? वो तो सबका बाप है। जो दुनिया के बड़े से बड़े विनाशकारी हैं, उनका भी बाप है। निगेटिव, हाँ है, हाँ ये शूटिंग पीरियड की बात है। चलो।